नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। जिस तरह देश में मोदी की गारंटी है, ठीक उसी तरह छपरा सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी की गारंटी, ऐसा कहा भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने। सारण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अभी छपरा में 32,000 करोड़ की परियोजना चल रही, कुछ परियोजनाएं हैं जो वो प्रस्तावित भी हैं। हालांकि इस तरह की योजना और जिलों की अपेक्षा छपरा में ज्यादा है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में मोदी की गारंटी, इस तरह सारण लोकसभा क्षेत्र में राजीव प्रताप रूढ़ी की गारंटी है और विकास हर हाल में होगा। वहीं उन्होंने अपने नामांकन को लेकर कहा कि 2 मई को उनका नामांकन होगा, जिसमें बिहार के भाजपा के लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का नामांकन ऐतिहासिक होगा। देखिए क्या कुछ कहा राजीव प्रताप रूढ़ी ने। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। नहीं, अब हमको कई बार तकलीफ होता है कि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि कोई जेल चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, ये इतिहास ही है। फिर उनके पुत्र भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, हम थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं तो लालू जी भी मोटे तौर से पढ़ना लिखना जानते ही होंगे, या उनके परिवार के लोग, उनके सचिव। एक मैंने पर्चा छापा है 32,000 करोड़, इसको आप अगर फोटो ले सके तो जरूर लीजिएगा। और ये सार्वजनिक पत्र है, इसको पढ़ ले, एक एक लाइन को पढ़ करके लोगों को बताने का कोशिश करें कि ये सब गलत है, तब तो बात समझ में आती है। तो ये 32,000 करोड़ सारण की धरती पर कार्यान्वयन, कार्यान्वित और प्रस्तावित है, और ऐसी योजना ना भारत में किसी जिला में हुआ है और ना आने वाले दिनों में होगा, और ये क्रम बढ़ता ही जाएगा। अभी तो इसमें हवाई अड्डा का प्रस्ताव नहीं जोड़ा गया है, अभी इसमें स्टेडियम का प्रस्ताव नहीं है। तो अपनी सरकार आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री में 32,000 करोड़ 32 लाख करोड़ में परिवर्तित होगा, और यही लक्ष्य है। और लोगों को भरोसा है, जिस प्रकार से दिल्ली में मोदी की गारंटी है उसी प्रकार से छपरा में रूढ़ी की गारंटी है, और ये सच है। आज पूरे भारतवर्ष में और 13 राज्यों में लगभग 88 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें बिहार में भी लगभग 5 सीटें। और जो मुझे सूचना है और मेरे पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता जो वहाँ कार्य कर रहे हैं या मेरे जो मित्र लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, लगता है कि कहीं कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं। और एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में तीसरी बार भारत में NDA की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लगभग तीसरे फेज के पोल में ही प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। तो अप्रत्याशित जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी और NDA बढ़ रही है। जिसे हम छपरा कहते हैं, पहले छपरा संसदीय सीट था, डिलिमिटेशन के बाद ये 20 सारण संसदीय सीट हो गया। कई लोग ये सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और NDA का नामांकन, मेरा नामांकन 2 मई को होगा और हमारे यहाँ चुनाव 20 मई को है। और हमारे प्रदेश के सब वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी जी और सब वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और NDA के चिराग पासवान जी, सबको निमंत्रण गया है, कुशवाहा जी और जितने प्रमुख लोग हैं सबको निमंत्रण गया है, माझी जी। तो वो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक नामांकन होगा और ये 2 तारीख को होगा, और आम सभा जो हमारा है वो छपरा राजेंद्र स्टेडियम में होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।